back. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, से मैं हूँ निम्रा कवन। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। दर्जा हरारत में अचानक कमी, टोरंटो के लिए तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। इन्वायरमेंट कैनेडा ने मौसम का खसूसी बयान जारी कर दिया। हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। कैनेडा के वफाकी वज़रा का घरों की तेज़ी से तामीर, सार्फीन के तहफ़ के लिए कोशिशों का ऐलान। वज़रा का कहना है कि 123 मिलियन डॉलर की फंडिंग से 5000 से ज़्यादा घरों की तामीर में मदद मिलेगी। मुल्क में महंगाई में भी कमी लाएंगे। कनाडा में फूड बैंक और खैराती इदारों की 2024 में मांग में इजाफे का इम्कान। मुल्क भर में फूड चैरिटी की मांग में 18% इजाफा मुतवक्के। 1 मिलियन से ज़्यादा कैनेडियन फूड चैरिटी प्रोग्रामों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अमेरिका, बाइडन प्राइमरी इंतखाबात में कामयाब, इसराइल गजा जंग पर मुखालफत का सामना। मिशिगन के आने वाले 5 नवंबर के अमेरिकी सदारती इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल। मिशिगन में बाइडन और ट्रंप के दरमियान दोबारा सख्त मुकाबला मुतवक्के। ज़ेलेंस्की की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, रूस यूक्रेन तनाज़े पर तबादला ख्याल। यूक्रेनी सदर ने सऊदी वली अहद से मदद मांग ली। सऊदी वली अहद का कहना था कि अमन के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी रखेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजा, गेट स्टार्टअप वीजा, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजा। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो में अचानक सर्दी में इजाफे और शहर में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो में अचानक सर्दी में इजाफे और शहर में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो के लिए खसूसी मौसमी बयान जारी किया गया। इन्वायरमेंट कैनेडा का कहना है कि बुध की दोपहर से टोरंटो में दर्जा हरारत में अचानक कमी और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। वफाकी मौसमियाती एजेंसी ने मौसम का एक खसूसी बयान जारी किया है क्योंकि जनूबी ओंटेरियो से सर्द महास की तरफ बढ़ने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बुध की दोपहर के करीब शुरू होने की तवक्को है, जो दोपहर के वक्त झड़पों या बर्फ़ के छर्रों में बदल जाएगी। दर्जा हरारत तेज़ी से गिर जाएगा। रात तक 13 डिग्री सेंटीग्रेड से -7 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। इन्वायरमेंट कैनेडा का कहना है कि दर्जा हरारत में अचानक कमी बर्फीली सतहों का बाइस बन सकती है क्योंकि दिन भर दर्जा हरारत जमनी के निशान से नीचे गिर सकता है। सड़क के बदलते हालात के साथ अपनी ड्राइविंग को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। दोपहर और शाम भर में तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। बुध की रात तक उनमें नरमी की तवक्को है। जुमेरात को दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। जुमे और हफ्ते के आखिर में पारा वापस ऊपर चढ़ जाएगा। इतवार को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड मुतवक्के है। कैनेडियन वज़रा ने मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया है जिनमें घरों की तामीर के नए तरीकों समेत अहम मंसूबे शामिल हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
कनाडा के वफाकी वज़रा का कहना है कि कनाडा में घरों को तेज़ी से तामीर किया जाएगा और पूरी मईशत में मसाफत और इस्तेआत में बेहतरी आएगी। कनाडा वज़रा ने मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया है जिनमें घरों की तामीर के नए तरीकों की तहकीक के लिए फंडिंग, इंजमाम के लिए लेन देन के साइज़ की हद को बरकरार रखना और तहकीकी तजावीज़ के लिए कॉल जारी करना शामिल है जो कि इस्तेआत को मजबूत करेगी और कीमत की शफाफियत को बेहतर बनाएगी। हाउसिंग के वजीर शॉन फ्रेजर ने कहा कि वफाकी फंड में $123 मिलियन जो रकम पहले ऐलान की गई थी को मुल्क भर में 8 घर बनाने वालों के साथ सौदे करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक हुकूमती बयान में कहा गया है कि फंडिंग का इस्तेमाल घरों की तामीर की तकनीक की अगली नस्ल को तेज तर बनाने, तैयार करने, जांचने और हमवार करने के लिए किया जाएगा। $123 मिलियन लिबरल हुकूमत के अफोर्डेबल हाउसिंग इन्वेंशन फंड से आ रहे हैं जो 2016 में 6 सालों के दौरान $208.3 मिलियन के बजट के साथ कायम किया गया था। 2022 से 2023 में लिबरल्स ने इजाफी 6 सालों में $550.8 मिलियन के साथ फंड को सबसे ऊपर रखा। जिद्दत साइंस और सनत के वजीर फ्रांसवा फिलिप शैम्पियन ने इस दौरान ऐलान किया कि उनके महकमे ने कैनेडियन सार्फीन को तहफ़ और बाख्तियार बनाने के मंसूबों के लिए तजावीज़ के लिए कॉल जारी की है। शैम्पियन का महकमा ऐसे मंसूबों को फंड देने की कोशिश कर रहा है जो सार्फीन को ऑप्शंस को बेहतर तौर पर समझने और अपने ख़ानदान और बजट के लिए बेहतरीन इंतखाब करने को यकीनी बनाकर कैनेडियंस को ग्रोसरी की महंगाई में कमी में मदद फराहम करेंगे। कैनेडा में फूड बैंक और खैराती इदारे 2024 में मांग में इजाफे के लिए कोशां हैं। एक तिहाई से ज़्यादा पहले ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें लोगों को दूर करना पड़ेगा। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में फूड बैंक और खैराती इदारे 2024 में मांग में इजाफे के लिए कोशां हैं। एक तिहाई से ज़्यादा पहले ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें लोगों को दूर करना पड़ेगा। कनाडा की सबसे बड़ी फूड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के सालाना हंगरी फॉर चेंज के मुताले के मुताबिक मुल्क भर में मांग में 18% इजाफा मुतवक्के है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में पहली बार 1 मिलियन से ज्यादा कैनेडियन फूड चैरिटी प्रोग्रामों तक रसाई हासिल कर रहे हैं। फूड रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के CEO लॉरी नकेल ने कहा, कनाडा में लोग खुराक की बढ़ती हुई कीमतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फूड चैरिटी की तरफ धकेला जा रहा है जो ज्यादातर लोगों के लिए एक आखिरी हरबे के तौर पर आता है। खुराक की खैराती तंजीमें मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पहले ही जद्दोजहद कर रही हैं। उनमें से बहुत से लोगों से मुंह मोड़ने और मदद के लिए बढ़ती हुई इंतजार की फहरिस्तों में अपना नाम शामिल करने पर मजबूर किया जाता है। हमारे निज़ाम दबाव में झुक रहे हैं। टोरंटो में मांग में मजीद 30% तक इजाफे की तवक्को है। बहुत से क्लाइंट्स के लिए बिलों या ग्रोसरी की अदायगी करना एक मुश्किल इंतखाब है। फूड बैंक और गैर मुनाफा बख्श इदारे वसाइल के चैलेंजों का सामना करते हुए बेमिसाल मांग का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सी तंजीमों को क्लाइंट्स को हटाने या इंतजार की फहरिस्त में डालने पर मजबूर किया जा रहा है। निकेल ने कहा, फूड चैरिटी खुराक के अदम तहफ़ का पायदार हल नहीं है। ये एक जख्म के लिए एक बैंड एड है। अभी से हमें खुराक की अदम तहफ़ की वजह का इलाज करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ अलामात का। ऐसे हल जो गुर्बत को दूर करते हैं और फौरी रिलीफ फराहम करते हैं, उनकी सख्त जरूरत है। सदर जो बाइडन, जिन्हें दूसरी बार सदारती इंतखाब में मंजूरी के लिए अगरचे किसी बड़े मसले का सामना नहीं करना पड़ा है, मगर मिशिगन में मुश्किलात का खतरा दरपेश है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सदर जो बाइडन, जिन्हें दूसरी बार सदारती इंतखाब में मंजूरी लेने के लिए अगरचे किसी बड़े मसले का सामना नहीं करना पड़ा है, मगर मिशिगन में मुश्किलात का खतरा दरपेश है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रियासत मिशिगन में डेमोक्रेटिक सदारती प्राइमरी इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन नतीजे से जाहिर होता है कि उन्हें गजा पर इसराइल की जंग की हिमायत पर मुखालफत का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिशिगन, जहां अरब नजाद अमरीकियों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है, गजा में इसराइली जंग के हवाले से पॉलिसी पर यहां के डेमोक्रेट्स और खसूसन अरब अमरीकियों में खासी नाराजगी मौजूद है। एडिसन रिसर्च के मुताबिक इब्तदाई गिनती में बाइडन को डेमोक्रेटिक वोटरों में 79% हिमायत हासिल थी, जबकि 16% शहरियों ने किसी को वोट नहीं दिया। 27 फरवरी के प्राइमरी इंतखाबात के मौके पर सरगर्म कारकुनों की मिशिगन के रहायशियों ने एहतजाज के तौर पर जो बाइडन को गैर पाबंद वोट देने की अपील की गई, ताकि जो बाइडन पर इसराइल से मुतालिक पॉलिसी के सबब दबाव डाला जा सके और उन्हें फौरी जंगबंदी के लिए मजबूर करें। मिशिगन में डेमोक्रेटिक सदारती प्राइमरी इंतखाबात में 14% वोटों की गिनती के साथ 20,000 से ज्यादा लोगों ने गजा पर इसराइल की जंग की मुखालफत करते हुए बाइडन के खिलाफ एहतजाजन गैर पाबंद वोट दिया। अंदाजे के मुताबिक इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत में रिपब्लिकन सदारती प्राइमरी इलेक्शन में बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की,
ट्रंप की जीत के बाद व्हाइट हाउस में उनके उम्मीदवार बनने के इम्कान में इजाफा हुआ है। उनके मद्दे मुकाबल निकी हैली दूसरे नंबर पर रही। एडिसन रिसर्च के मुताबिक रिपब्लिकन वोटर्स में ट्रंप को निकी हैली के 32% के मुकाबले में 64% हिमायत हासिल थी। मिशिगन के आने वाले 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जहां बाइडन और ट्रंप के दरमियान दोबारा सख्त मुकाबला मुतवक्के है। याद रहे कि साल 2020 के इंतखाबात में मिशिगन में जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को महज 2.8% पॉइंट से शिकस्त दी थी। रूस तनाज़े पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज से मदद मांग ली है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूस तनाज़े पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज़ से मदद मांग ली। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेनी सदर को यकीन दिलाया कि मुमलिकत की जानिब से बहरान को हल करने और अमन के उसूल को यकीनी बनाने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी रखेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की अपने मुख्तसर दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे, जहाँ उन्होंने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत दीगर सऊदी हुक्काम से मुलाकातें की हैं। तफसीलात के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की का रियाद पहुंचने पर किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रॉयल टर्मिनल पर नायब गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज, वजीर मुमलिकत डॉक्टर मसाद बिन मोहम्मद अल इवान, रियाद के मेयर शहजादा फैसल बिन अब्दुल अजीज बिन अयाब, यूक्रेन में सऊदी अरब के सफीर मोहम्मद अल मसहर अल जबरैन और दीगर सऊदी हुकाम ने इस्तकबाल किया। बाद अज़ा यूक्रेनी सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर यूक्रेन और रूस तनाज़े के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर यूक्रेनी सदर ने वली अहद से तनाज़े को हल कराने की दरख्वास्त की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेनी सदर को यकीन दिलाया कि मुमलिकत की जानिब से बहरान को हल करने और अमन के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी रखेंगे, जिस पर यूक्रेनी सदर ने बहरान के हल के लिए सऊदी अरब की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया।